हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग मेटलर्जी। मेटलर्जी में आज बात करेंगे हम एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। देखो, हम इंडिविजुअल मेटलर्जीज की बात कर रहे हैं अभी। एल्यूमिनियम की मेटलर्जी अब लेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने आयरन की मेटलर्जी की बात की थी, तो चलिए हेडिंग लिखें एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम और मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम। मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम में, जैसा कि आप जानते हो, जो चीफ ओर है वो बॉक्साइट है। Al2O3 डॉट XS2O, इसका फॉर्मूला मैंने बताया भी था, वो क्या था, AlOx OH 3-2x, ये फॉर्मूला था। तो इट इज एन ऑक्साइड एज वेल एज हाइड्रोक्साइड ओर, या ATI क्वेश्चन है, वेयर एक्स इज लेस देन 1, ग्रेटर देन 0। सो लाइक दैट इट वॉज देयर। इट कंटेन्स द इम्प्योरिटीज सिलिका Fe2O3, टाइटेनियम ऑक्साइड, तो ये सब इम्प्योरिटीज होती हैं इसमें। तो ये फ्लो डायग्राम बनाएंगे जिससे हमें मालूम पड़े। तो क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग पाउडर बनाते हैं इसका, तो क्रशिंग एंड ग्राउंडिंग, पीस के चूरा बना लिया इसका क्रस्ट ओर। क्रस्ट ओर का कंसंट्रेशन कई मेथड से किया जा सकता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर बाई, एक वो पढ़ा था ना हमने लीचिंग में, याद है आपको, बेयर्स प्रोसेस। ये रेड बॉक्साइट के लिए यूज करते हैं। ये भी मैंने बताया था कि अगर आयरन के ऑक्साइड की इंप्योरिटीज लार्ज अमाउंट में है, मेजर इंप्योरिटीज में अगर आयरन के ऑक्साइड है, तब तो वो रेड बॉक्साइट कहलाएगा, रेडिश ब्राउन कलर उसकी वजह से ही होगा। और यदि सिलिसियस इंप्योरिटीज ज्यादा हैं, सिलिकेट्स एंड सिलिका ज्यादा है, तो वो व्हाइट बॉक्साइट होगा। तो बेयर्स प्रोसेस यूज करते हैं और हॉल्स प्रोसेस भी यूज कर सकते हैं। बेयर्स प्रोसेस कॉल्ड लीचिंग ऑल्सो बिकॉज एक्वस मीडियम में ये सब ऑप्टेन हो जाते हैं। हॉल्स प्रोसेस एंड तीसरा सरपेक प्रोसेस, इन्हें लीचिंग नहीं बोलते क्योंकि इनमें हाई टेम्परेचर प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। तो सरपेक प्रोसेस, सरपेक्स प्रोसेस। अब ये क्या है प्रोसेस में, ये तो मैंने पढ़ा ही दिया, ऑलरेडी स्टडीड। ये तो पढ़ ही लिया, इन दोनों को पढ़ेंगे थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, मैं बता दूंगा अभी। अब पहले मैं ये फ्लो डायग्राम कंप्लीट कर लूं। तो अब ये जहां जगह कम बचेगी तो यहां आ जाओ। तो कंसेंट्रेशन करा ली हमने आइदर बाय द बेयर्स प्रोसेस, हॉल्स प्रोसेस। हॉल्स प्रोसेस इज ऑल्सो फॉर रेड बॉक्साइड, सरपेक प्रोसेस इज फॉर व्हाइट बॉक्साइट। तो यहां से हमारे पास प्योर एल्यूमिना इज ऑब्टेन्ड बाय दीज प्रोसेसेस। नाउ इट इज रेडी, Al2O3 इट इज रेडी फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। सो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन इज डन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन बाई हॉल हराल्ड्स प्रोसेस, बड़ा फेमस प्रोसेस है, प्रसिद्ध। जैसे किसी किसी शहर की कोई मिठाई प्रसिद्ध होती है ना उसके नाम से, जैसे आगरा है, पंछी वाले का पेठा, इट इज सो फेमस। तो उसी तरीके से मान लो मथुरा है, मथुरा के पेड़े, समझ रहे हो ना बात को। ऐसे ही मेटलर्जी में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस में, नेम्ड प्रोसेसेस में, हॉल हराल्ड प्रोसेस, हॉल हराल्ड्स प्रोसेस। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं इन द मोल्टन स्टेट। एल्यूमिनियम कैन नॉट बी ऑब्टेन इन द एक्वस मीडियम, ये सब समझा चुके हैं हम। तो इसमें हम साथ में मिलाते हैं क्रायोलाइट, क्रायोलाइट प्लस फ्लोर स्पार प्लस AlF3,
ये मिक्स कर दिया जाता है और तब इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कराते हैं, तो यहां से हमें एल्यूमिनियम मिलता है. एल्यूमिनियम इज ऑप्टेन्ड एंड दैट इज नियरली 99.5 to 99.8% प्योर. ये एल्यूमिनियम लिक्विड फॉर्म में मिल जाती है विच इज कास्ट इन टू द डिफरेंट शेप्स डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट. तो दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन बाय हॉल हेराल्ड प्रोसेस एंड एल्यूमिनियम इज ऑप्टेन्ड. अच्छा, एल्यूमिनियम इज फर्दर प्योरिफाइड. ये कम प्योरिटी है क्या सर? ये तो बहुत है, 99.8% और क्यों करोगे? अरे बताया था मैंने पहले तुम्हें, कॉपर और एल्यूमिनियम का सबसे ज़्यादा यूज़ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में होता है, और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन मतलब बिजली के तारों में. तो बिजली से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी है फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, अगर उसमें इम्प्योरिटीज होंगी तो, अगर ध्यान दो तुमने फिजिक्स में भी पढ़ा है, केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, इम्प्योरिटी बैंड्स आ जाते हैं जिसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन घट जाएगा तो लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी मोर. नो, दैट इज नॉट एन इकोनॉमिक मैथड. सो दीज मेटल्स कैन बी इजिली प्योरीफाइड, कॉपर भी और एल्यूमिनियम भी. तो एल्यूमिनियम को प्योरीफाई और करना पड़ता है, तो फर्दर प्योरीफाइड. कितना प्योरीफाई करना है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द एंड यूज. एंड यूज मतलब एंड यूज कि आखिरी में हम कहाँ इस्तेमाल करना चाहते हैं. तो कॉपर एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा यूज इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में है, वहां पर मेटल शुड बी एज प्योर एज पॉसिबल. इतनी भी प्योरिटी ना करो कि इतना महंगा हो जाए वो, तो एक कंप्रोमाइज तो रहता ही है कॉस्ट में और प्योरिटी में. तो फर्दर प्योरीफाइड बाई हूप्स प्रोसेस. अब हूप्स प्रोसेस क्या है वो भी बात करेंगे. ये भी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम. यहां भी इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, एंड वी गेट प्योर एल्यूमिनियम, वेरी प्योर एल्यूमिनियम, नियरली 99.98%. अब तो क्या बचा, ऑलमोस्ट प्योर ही है. तो ये हॉल हेराल्ड प्रोसेस है, इसके बारे में थोड़ा सा और हमें बात करनी है. बट उससे पहले ये मैंने फ्लो डायग्राम बता दिया आपको. सो दिस इज बॉक्साइट विच कंटेन्स द इम्प्योरिटीज, क्रशिंग एंड ग्राउंडिंग. ग्राउंडिंग नहीं, ग्राइंडिंग करना था. देखो दोबारा पढ़ने पर यह फायदा होता है, ग्राइंडिंग. तो क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, क्रश डोर मिल गया. कंसेंट्रेशन ऑफ द ओर बाई आइदर बेयर्स प्रोसेस रेड बॉक्साइट के लिए, हॉल्स प्रोसेस रेड बॉक्साइट के लिए, सरपेक प्रोसेस व्हाइट बॉक्साइट के लिए, एनी ऑफ द प्रोसेस कैन बी अडॉप्टेड. पहले दोनों रेड के लिए हैं, फिर सरपेक है. क्या डिटेल्स हैं ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. बेयर्स प्रोसेस, हॉल एंड सरपेक प्रोसेस वी विल स्टडी नाउ. प्योर एल्यूमिनियम इज ऑप्टेन विच इज रेडी फॉर द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन. इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन इन द मोल्टन स्टेट इट इज डन बाय द हॉल हेराल्ड प्रोसेस. क्रायोलाइट प्लस फ्लोर स्पार. क्रायोलाइट क्या होता है वो भी बात करेंगे, और AlF3 मिलाते हैं तब उसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं. तो एल्यूमिनियम इज ऑप्टेन्ड ऑफ दिस मच प्योरिटी, फर्दर प्योरीफाइड बाय द हूप्स प्रोसेस दैट इज ऑल्सो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग इन द मोल्टन स्टेट एंड प्योर एल्यूमिनियम इज ऑप्टेन्ड. अब देखो यहाँ एक दो बातें थी जो पढ़ने वाली थी, वट इज हॉल्स प्रोसेस, वट इज सरपेक प्रोसेस. तो हॉल्स प्रोसेस ये नहीं पढ़ेंगे, ये हम बाद में पढ़ेंगे. हूप्स प्रोसेस को मैंने कहा ना, ये थर्ड पार्ट चल रहा है, एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स फ्रॉम द कंसेंट्रेटेड ओर. इनकी फर्दर रिफाइनिंग के लिए बिल्कुल आखिरी में लेंगे हम लास्ट पार्ट, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग और प्योरिफिकेशन ऑफ द मेटल्स, वहीं लेंगे इसको, हूप्स प्रोसेस को. तो हॉल्स प्रोसेस कंसेंट्रेशन के लिए है, फॉर कंसेंट्रेशन ऑफ रेड बॉक्साइड. तो रेड बॉक्साइड का कंसेंट्रेशन करो. तो देखो हॉल्स प्रोसेस में, हॉल्स प्रोसेस में हम रेड बॉक्साइड लेते हैं, और रेड बॉक्साइड को हम फ्यूज कराते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ. फ्यूज मेल्ट करा दिया हाई टेम्परेचर पर. तो हाई टेम्परेचर प्रोसेस है तो एक तो इसे लीचिंग नहीं बोलेंगे, लीचिंग तो बेयर्स प्रोसेस में था, सो दिस इज नॉट लीचिंग. तो रेड बॉक्साइड से यहां से NaAlO2 मिल जाता है, बाकी इंप्योरिटीज रिएक्ट नहीं करती. और इसको जब अलग करके वाटर से रिएक्शन कराते हैं, H2O लिक्विड जब वाटर मिलाते हैं तो वाटर के साथ रिएक्शन करता है. तो वाटर के साथ और साथ में CO2 भी मिलाएंगे, CO2 गैस, ताकि ये जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है दिस गिव्स एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड PPT. ये मिल गया वाइट PPT. इसको ट्राई कर लिया, अलग कर लिया, और इसको जब हीट करते हैं स्ट्रांगली टू द लेवल ऑफ, बताया भी था 1200 डिग्री सेल्सियस नियरली, और 1473 केल्विन अप्रॉक्सीमेटली, तो यू गेट प्योर एल्यूमिनिया AlO2O3, प्योर एल्यूमिनिया.
नाउ इट इज रेडी फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, जिसके बारे में अभी हमने बात की, उसके बारे में और बात करेंगे। तो ये था हॉल्स प्रोसेस। तो हॉल्स प्रोसेस में याद रखना, फ्यूज करते हैं विद सोडियम कार्बोनेट, सोडियम मेटा एलिमिनेट इज ऑप्टेन, जिसमें H2O लार्ज अमाउंट में मिलाते हैं एंड CO2 गैस पास करते हैं, तो यू गेट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का PPT, जिसको छान के सुखा के वी हीट इट टू गेट प्योर एल्यूमिना। नाउ सरपैक प्रोसेस, फॉर कंसेंट्रेशन ऑफ, इट इज यूज फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाइट बॉक्साइट। वाइट बॉक्साइट बताया था हमने, रेड बॉक्साइट क्या था, जिसमें आयरन के ऑक्साइड्स की इंप्योरिटीज लार्ज अमाउंट में हो, सिलिका कम हो, और यहां सिलिसियस इंप्योरिटीज या सिलिकेट और सिलिका की इंप्योरिटीज ज्यादा हो तो कहलाएगा वाइट बॉक्साइट। तो वाइट बॉक्साइट It is strongly heated with the nitrogen gas and carbon. इसके साथ strongly heat करते हैं of the temperature of nearly 1800 degree Celsius in electric furnace. तो electric furnace में heat करते हैं तो you get aluminium nitride. Aluminium nitride में जब आप water मिलाओगे तो ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना देगा एंड अमोनिया गैस विल बी लिबरेटेड। इसको स्ट्रांगली हीट करोगे, वही 1200 डिग्री सेल्सियस, तो यू गेट प्योर एल्यूमिना। यही तो पर्पस था, प्योर एल्यूमिना, ताकि हॉल हेरॉल्ड प्रोसेस से हम ये ऑप्टेन कर सकें। हालांकि इतने हाई टेम्परेचर पे सिलिका भी तो होता है, तो सिलिका ऑल्सो रिएक्ट्स विद कार्बन टू फॉर्म सिलिकॉन प्लस CO, और यहां पर CO गैस लिबरेट हो जाती है बॉक्साइट से, बॉक्साइट भी तो Al2O3 है ना, तो CO गैस इज लिबरेटेड आउट। तो इस तरह की ये भी एक साथ में रिएक्शन चलती है, सिलिका जो है वो सिलिकॉन में खत्म हो जाता है, और जब पानी मिलाते हैं तो सिलिकॉन इज नॉट सॉलिबल, सो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का PPD मिलता है, उसे छान के अलग कर लेते हैं और वो सेपरेट आउट हो जाता है एंड वी गेट प्योर एल्यूमिना। सो दिस इज द प्रोसेस यू शुड रिमेंबर। अब बात आते हैं हॉल हेरॉल्ड प्रोसेस, हॉल हेरॉल्ड्स प्रोसेस। हॉल हेरॉल्ड प्रोसेस में इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ Al2O3 एल्यूमिना, मिक्स्ड विद क्रायोलाइट, लार्ज अमाउंट ऑफ क्रायोलाइट मिलाते हैं, कौन ऐसे लिख दो Na3AlF6 कॉम्प्लेक्स है ये, फ्लोराइड के साथ में फ्लोर स्पार, फ्लोर स्पार इज CaF2 प्लस एल्यूमिनियम फ्लोराइड AlF3। तो ये सब मिलाते हैं इन मोल्टन स्टेट, तो इलेक्ट्रोलाइटिक दिस मिक्स्ड विद दिस इन मोल्टन स्टेट। एक्वस मीडियम से कभी इलेक्ट्रोलिसिस से एल्यूमिनियम या उससे ऊपर के एक्टिव मेटल्स कभी ऑप्टेन नहीं होंगी, ये याद रखना है आपको, तो मोल्टन स्टेट में। तो ये इस तरीके से लेते हैं, मान लो हॉल हेरॉल्ड प्रोसेस में जो एनोड है वो ग्रेफाइट की रॉड्स यूज करते हैं, ग्रेफाइट रॉड्स, और कैथोड जो है स्टील कोटेड विद कार्बन लाइनिंग। तो एक तरीके से कार्बन का ही है, दोनों ही कार्बन के हैं, एनोड भी, ग्रेफाइट इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ कार्बन। तो ये एनोड ग्रेफाइट, एनोड और कैथोड बोथ आर कार्बन एंड द अरेंजमेंट इज लाइक दिस। मैं एक स्कीमेटिक डायग्राम बना रहा हूं, ये आप NCERT से भी देख लेना।
ये लाइनिंग होती है ग्रेफाइट की, और यहां पर ग्रेफाइट की रॉड्स यूज करते हैं एज एनोड। प्लस माइनस, तो ये जो रॉड्स हैं ये ग्रेफाइट की रॉड्स हैं एक्टिंग एज एनोड। नीचे का जो लेवल है यहां पर मोल्टन एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड। जो कि एल्यूमिनियम यहां ऑब्टेन करते हैं एल्यूमिनियम लिक्विड, और यहां पूरे में मेल्ट होता है यहां पर, दिस इज मेल्ट। मेल्ट मिक्सचर एंड द एवरेज कॉम्पोजिशन ऑफ द मिक्सचर इज टेकन एज क्रायोलाइट। Na3AlF6 प्लस CaF2 प्लस AlF3 प्लस कौन Al2O3। अब एल्यूमिना तो ये है, इतनी सारी चीज़ें यूज़ करते हैं एल्यूमिना। तो ये क्रायोलाइट लगभग ध्यान दो ये 85% के आसपास बाई मास लेते हैं इनिशियली, ये लगभग 5% बाई मास। एल्यूमिनियम फ्लोराइड इज ऑल्सो 5% बाई मास और एल्यूमिना इज ऑल्सो 5% बाई मास। तो इसका मतलब इनिशियली अ लार्ज अमाउंट ऑफ क्रायोलाइट इज टेकन। क्लोराइट और फ्लोर स्पार का एक इंपॉर्टेंट पर्पज है, क्या पर्पज है वो बात करेंगे अभी हम। एल्यूमिनियम की मेटलर्जी आसान नहीं होती, काफी चैलेंजिंग होती है। तो यहां से एल्यूमिनियम मेटल इज ऑप्टेन और ये ग्रेफाइट कार्बन लाइनिंग है, ये कार्बन लाइनिंग एंड दिस इज एनोड सॉरी कैथोड एंड दीज आर द ग्रेफाइट रॉड्स। दिस इज एनोड प्लस माइनस। तो इलेक्ट्रिसिटी जब सप्लाई की जाती है लार्ज अमाउंट में तो एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ Al2O3। बट Al2O3 थोड़ा सा फजान्स रूल के चलते बहुत ज़्यादा कंडक्टिव नहीं है, कोवेलेंट नेचर थोड़ा ज़्यादा होता है। तो एक तरीके से यूँ मानो कि Al2O3 को डिजोल्व करने के लिए हम सॉल्वेंट यूज़ करते हैं क्रायोलाइट प्लस फ्लोरस्पार। तो क्रायोलाइट एक्ट्स एज ए सॉल्वेंट और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन फॉर एल्यूमिना, एल्यूमिना को डिसॉल्व कर लेता है वो, और Al2O3 का इलेक्ट्रोलिसिस हो जाता है यहां पर। तो लिखेंगे इस बात को क्रायोलाइट एक्ट्स एज सॉल्वेंट फॉर एल्यूमिना एंड डिसॉल्व्स एल्यूमिना। साथ में सबसे बड़ी पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना इज वेरी हाई। ऑफ द ऑर्डर ऑफ नियरली 2050 डिग्री सेल्सियस। अब इतना हाई टेम्परेचर पे मेल्ट करोगे, मैंने कहा ना फ्री में ना होता है मेल्टिंग, हाई टेम्परेचर जनरेट करने में ईंधन खर्च होता है, बिजली खर्च होती है, लॉट ऑफ एनर्जी इज नीडेड और वो सब पैसे लगते हैं उसके। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम इज वेरी हाई एंड देयर फोर डिफिकल्ट टू डू द इलेक्ट्रोलिसिस एट दिस टेम्परेचर। तो क्रायोलाइट मिक्सिंग, क्रायोलाइट नीचे कर लेते हैं, कौन Na3AlF6 एंड फ्लोरस्पार। फ्लोर्स पार मतलब CaF2
एंड AlF3 भी मिलाते हैं लगभग थोड़ा सा 5% के आसपास. तो मिक्सिंग क्रायोलाइट एंड फ्लोर स्पार इंक्रीज कंडक्टिविटी ऑफ मेल्ट, इंक्रीज कंडक्टिविटी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंडक्टिविटी एंड डिक्रीज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेल्ट, दोनों बातें इंपॉर्टेंट थी. सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ मिक्सिंग क्रायोलाइट फ्लोर स्पार एंड AlF3? कंडक्टिविटी बढ़ाएगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोलिसिस इजी होगा, कम बिजली की खर्च होगा, इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड वुड बी लेस, रेजिस्टेंस विल बी लेस एंड मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है. तो कम टेम्परेचर पर ही ये प्रोसेस परफॉर्म हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट घट करके डिक्रीज टू नियरली 950 डिग्री सेल्सियस. देखो 2050 डिग्री सेल्सियस था, बस वो 5% तो ले रहे हैं हम. देखो मैंने कंपोजिशन भी लिखा है इनिशियली, एल्यूमिना तो 5% लिया है, मेजर अमाउंट तो क्रायोलाइट और फ्लोर स्पार और ये सब लिए हैं आपने, ऑल टुगेदर 95% तो ये तीन कंपोनेंट हैं. और इन तीन कंपोनेंट का मेजर कंट्रीब्यूशन होने की वजह से जो मेल्ट बनता है यहाँ पर, दैट मेल्ट्स इन रेंज ऑफ टेम्परेचर 940 टू 980 डिग्री सेल्सियस, या अप्रॉक्सीमेटली मैंने 950 लिख दिया. तो कहाँ 2050 और कहाँ 950 डिग्री सेल्सियस. तो जो 2050 पर मेल्टिंग होनी थी वो 950 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट बन जाता है, और सोचो कितना फायदा हुआ है, लॉट ऑफ लेस फ्यूल इज बर्नड इन टू दिस. सो व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ मिक्सिंग इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट एक्ट्स एज ए सॉल्वेंट एंड डिजॉल्व्स एल्यूमिना एंड क्रायोलाइट एंड फ्लोर स्पार इंक्रीज कंडक्टिविटी एंड डिक्रीजिंग द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मेल्ट. मेल्ट मतलब वो जो मिक्सचर है. तो मेल्टिंग पॉइंट घटा दिया, कंडक्टिविटी बढ़ा दी, दिस इज द मेजर यूज. अदर रिएक्शंस क्या इन्वॉल्व हो रही हैं? रिएक्शंस इन्वॉल्व, रिएक्शंस वैसे थोड़ी कॉम्प्लेक्स की जाती हैं, जो एनसीईआरटी की रिएक्शंस हैं वो इस टाइप से हैं. सिंपल रिएक्शंस यही याद रखनी है. एनोड पर, तो एनोड पर एक तरीके से कार्बन सॉलिड रिएक्ट्स विद ऑक्साइड आयन कमिंग फ्रॉम क्रायोलाइट कमिंग फ्रॉम एल्यूमिना एंड दैट फॉर्म्स CO प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. एंड साथ में ये रिएक्शंस भी होंगी, कार्बन सॉलिड प्लस 2O2- CO2, CO2 गैस भी बनेगी प्लस 4 इलेक्ट्रॉन. सो दीज काइंड ऑफ रिएक्शंस डू अकर एट एनोड. एंड व्हाट आर द रिएक्शंस एट कैथोड? तो रिएक्शंस एट कैथोड आर एल्यूमिनियम विल अंडरगो द रिडक्शन टू फॉर्म एल्यूमिनियम मेटल. तो एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड इन द लिक्विड फॉर्म विच इज कलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ द हॉल हेराल्ड प्रोसेस कंटेनर, जो भी था हमने देखो ये लिया था ये रहा. तो एल्यूमिनियम मेटल इज ऑब्टेन्ड. तो इस तरीके से, अच्छा एक बात ध्यान दो, ये जो ग्रेफाइट रॉड है रिएक्शंस में इन्वॉल्व है. तो कार्बन ऑक्साइड आयन से जब O2 गैस बन रही होगी तो वो O2 कार्बन के साथ रिएक्शन करके CO एंड CO2 बना रहा है. तो एक तरीके से ग्रेफाइट की जो रॉड्स हैं ये कंज्यूम हो रही हैं और गैस के रूप में उड़ जा रही हैं ये. तो इसका मतलब दीज ग्रेफाइट रॉड्स एनोड इज कंज्यूम्ड, दीज मेटल रॉड्स आर कंज्यूम्ड एंड टाइम टू टाइम वी हैव टू रिप्लेस इट. तो इस बात को लिख लेंगे हम, ये सब पॉइंट्स हैं ध्यान से पढ़ेंगे. देखो यहां लिखेंगे इस बात को हम कि सिंस ग्रेफाइट एनोड इज कंज्यूम्ड नियरली 0.5 kg ऑफ ग्रेफाइट इज कंज्यूम्ड पर केजी ऑफ एल्यूमिनियम मेटल प्रोड्यूस्ड. अच्छा खासा कंजम्पशन है. तो सिंस ग्रेफाइट एनोड इज कंज्यूम्ड नियरली 0.5 kg ऑफ ग्रेफाइट इज कंज्यूम्ड पर केजी ऑफ द एल्यूमिनियम प्रोड्यूस्ड, दे आर रिप्लेस्ड. दे कौन? ग्रेफाइट एनोड. दे आर रिप्लेस्ड टाइम टू टाइम. तो टाइम टू टाइम उनको रिप्लेस करते रहते हैं. और एक बात याद रखें, कार्बन का यूज और भी बहुत ज्यादा है, बिकॉज कार्बन भाई एक तरीके से ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गई, ओवरऑल रिएक्शन देखो ऐसी हो गई,
Al2O3 कार्बन के साथ रिएक्शन कर रहा है और बना रहा है 2Al लिक्विड प्लस 3CO गैस, अगर CO मान के चल रहे हैं तो. तो ये सॉलिड था, ये सॉलिड था. तो ये है ओवरऑल रिएक्शन इन द हॉल हेराल्ट प्रोसेस. सो दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन इन हॉल हेराल्ट प्रोसेस. तो याद रखें, इनिशियली यू टेक ए लार्ज अमाउंट ऑफ क्रायोलाइट फ्लोर स्पार AlF3 एंड ओनली 5% ऑफ एल्यूमिना. एल्यूमिना कंज्यूम होकर के आपको एल्यूमिनियम देगा, ऑक्सीजन CO और CO2 बना के उड़ता जाएगा. क्रायोलाइट बार बार नहीं मिलाना पड़ता, बीच बीच में थोड़े बहुत लॉसेस होते हैं तो मिलाना पड़ता है. अदरवाइज शुरुआत में तो हमने क्रायोलाइट और फ्लोर स्पार मिला दिया, उसके बाद तो मेनली हमें जो मिलाना पड़ता है वो एल्यूमिना टाइम टू टाइम मिलाते हैं, उससे हमें एल्यूमिनियम मेटल और प्लेन हो जाती है. तो ये था हॉल हेराल्ट प्रोसेस विच आई हैव एक्सप्लेन्ड. आई थिंक आई हैव टॉक्ड अबाउट ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट इट. हाँ, उसमें एक चीज बची हुई है, हूप्स प्रोसेस फॉर द फर्दर प्योरिफिकेशन ऑफ एल्यूमिनियम. हालांकि वो सिलेबस में भी नहीं होता, IIT JEE मेन और एडवांस में कभी पूछा तो नहीं है, बट कुछ होता भी नहीं है उसमें. वो हम रिफाइनिंग ऑफ द मेटल जब एंड में पढ़ेंगे तब उसके बारे में बात करेंगे. दैट्स इट फॉर नाउ.